ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मेरे बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो मैंने फाइनली आज ये बना रही हूँ वीडियो। तो मैं यहाँ पर आज बनाने जा रही हूँ कीमे के समोसे। तो यहाँ पर मैंने बस मैं डाल चुकी थी, फिर मेरी बेटी आई, उसने बोला मम्मा आज तो हमने वीडियो बनानी थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई। तो मैं इसमें भी जस्ट मैंने लहसुन अदरक डाला है और ज़ीरा डाला है, ठीक है। ये 1 किलो कीमा है, इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत डाला है, ठीक है। अब ये बॉईल होगा, आपको ज़रा दिखा देती हूँ। ये इसकी मीडियम रखेंगे आज, और ये बॉईल पे लग गया है, इसको भी ढकेंगे नहीं थोड़ी देर हम, और इसको इसी तरह रहने देंगे। फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे का मैं आपको बताऊंगी। ओके अच्छा, अब ये देखें इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है पानी, हल्का सा मैं थोड़ा और लाइक वो थोड़ा सा लगेगा ना तो वो फिर श्योर हो जाएगा कि हाँ ये ड्राई हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी हुआ तो वो समोसे में पानी छूट जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है देखिए हल्का सा है अभी भी। अच्छा इसमें मैंने अभी नमक डाल दिया था, ठीक है। अभी हरी मिर्ची जो है वो उसको पीस ली है मैंने, ठीक है। आप चाहो तो उसको बारीक भी काट सकते हो। यहाँ पर मसाले ऐड कर रहे हैं हम, ये 1 चम्मच गरम मसाला है, गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और तेल मिर्च है, वही मसाला है, इसमें खुश्क धनिया, जीरा और कुटी हुई मिर्च है, ठीक है। ये हरा धनिया है, और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज अगर आप चाहें तो हाथ से भी काट के बारीक कट कर सकते हैं, मेरे पास चॉपर है तो मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। ये आधा किलो से एक ज्यादा है, एक भाई तू देख रहा है ठीक है। तेरे को बना दी, तू नमाज पढ़ जा बेटा। अब हम इसको कीमे में ऐड कर देंगे। कीमा जो था वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम ये कीमा ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा मेक श्योर कि कीमा आपका बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, अगर ये ज़रा भी गर्म हुआ तो वो प्याज पानी छोड़ देगी इसके अंदर और आपके सारे समोसे जूसी हो जाएंगे। ओके इसको जो भी हमने डाला है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मसाले और प्याज वगैरह, ठीक है। और इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखें, पहले यहाँ से ऐसे किया और फिर ये ऐसे, इसको पूरा यहाँ से ऐसे ये बना दिया ट्राइंगल। ओके यहाँ से ये 1 चम्मच डाल दो, जैसे आपको ज़्यादा भरा हुआ चाहिए या जैसे वो आपकी है वैसे 1 टेबल स्पून ऑफ है, ठीक है। उसके बाद इसमें लगाते हुए इसको हम पीले चाहेंगे, हाँ। और ये यहाँ हो गया हमारा समोसा रेडी। ओके गोकुन आटा, और आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो फ्लावर ऑल पर्पज़ फ्लावर लें या घी का आटा ले लें, मैंने यह घी का लिया, ठीक है। वो लेकर और नीम गर्म पानी में उसको हल्का सा से रेडी हो चुके हैं, अब हम यहाँ तल रहे हैं। अच्छा उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं तलना, मीडियम आंच पर रखना है। तैयार हो गए हैं, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, ये देखें इसकी ये शक्ल होनी चाहिए बिल्कुल वाइट एंड ग्रीन।